फिल्मों का हमारी जिंदगी में बहुत असर है, फिल्म और टीवी से संबंधित यहाँ लोग हैं, फिल्मों का बहुत असर है। बहुत से लोग तो अपने बच्चों के नाम फिल्म के टाइटल के हिसाब से रखते हैं। इतना टाइम नहीं है बच्चा पैदा हुआ कि राशि के हिसाब से बच्चे का नाम रखे, नहीं, जो फिल्म हिट चल रही है वही नाम बच्चे को दे दिया। जब बॉबी आई थी राज साहब की, राज कपूर साहब की, उस टाइम पर जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम बॉबी, उसके बाद गुड्डी आई, लड़की पैदा हुई गुड्डी, आजकल बॉबी और गुड्डी धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं सारे। बीच में काला पत्थर आई, किसी नाम नहीं रखा। अंधा कानून आई, किसी नाम नहीं रखा। मैंने सोचा अगर सब लोग ही फिल्मी नाम रख लें तो लोग बातचीत कैसे करेंगे। अरे लावारिस, क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। हाय तेजाब, कम कम कम, मीट माई सिस्टर खुनवरी मांग, मेरी बड़ी बहन फूलबने अंगारे, मेरी सास नागिन, सास बोले हाँ, मेरा दामाद डाकू लुटेरा, मेरी मासी दिव्य शक्ति, मेरे दादाजी दिल किसको दूं। बोले अपने पास रखो, जरूरत होगी मांग लेंगे। अब पार्टी में, ऐसी पार्टी में बच्चे कैसे बात करेंगे। हेलो सौतन आंटी, आई एम दिल, मेरी छोटी बहन लम्हे, मेरा भैया दिल की मानता नहीं, मेरी मम्मी या कब बुझेगी, मेरे डैडी अजूबा कुदरत का। मान लीजिए टीवी पे कैसा आदमी आ जाए न्यूज बोलने, उसको जो खुद बहुत हंसता है तो न्यूज कैसे बोलेगा। नमस्कार, बंद मत करो, बोल दो। सॉरी, आज के मुख्य नहीं सर, अभी बोलता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव ने कहा, बोले शांति में ना रखो, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा। भूतपूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आज एक बातचीत के दौरान बताया, मैं बोलता अभी बोल के क्या फायदा। देश के बेरोजगार लोगों ने गृह मंत्री का घेराव किया, उनसे बोले हमें काम चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें काम चाहिए। गृह मंत्री ने सबको आयोडेक्स दिया, बोले आयोडेक्स मलिए, काम पे चलते। वर्ल्ड कप के दौरान हमारे कुछ पत्रकारों ने क्रिकेट के कैप्टन से बातचीत की, बॉर्डर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे इंग्लैंड की टीम सबसे ज्यादा खतरा है। इमरान ने कहा मुझे इंडिया की टीम सबसे ज्यादा खतरा है, जबकि अजहरुद्दीन ने कहा मेरे को तो मेरी ही टीम से खतरा है। वो तो निकल गए खुद ही, उनके पास समाचार बोलने आया एक एकदम सुस्त आदमी, बहुत लेजी है, न्यूज पढ़ रहा है जैसे एहसान कर रहा है, वो कैसे पढ़ेगा। शुरू करे क्या? अच्छा पेपर पर मंगा भाई, पढ़े खत्म करे। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार, प्रधानमंत्री ने कहा शांति बनाए रखो, नाटक मत करो यार, आज वो अच्छा खेला, क्या ना उसका काला सा लड़का, ओ कामली, हाँ हाँ ठीक खेला, दिन में देखा होगा, बार बार बता क्या फायदा यार। दिल्ली में बस खड्डे में गिर गई थी, काफी लोग मर गए थे, कल पेपर में पढ़ लेना यार। और मौसम समाचार है वो बता, कोई फायदा तो है नहीं उसमें, आप लोग क्या कर सकते हो। पिछले दिनों महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर शरद पवार ने कहा कि मेमन बंधु छोड़े नहीं जाएंगे, बहुत से लोग कहने लगे पहले पकड़ो तो,